आज हम बनाएंगे सूजी का चिल्ला। इसके लिए हमने लिया है 2 कटोरी सूजी। इसमें हमने पत्ता गोभी छोटा छोटा काट लिया है, इसको डाल देंगे। 3 छोटी प्याज काट ली है, इसको डाल देंगे। दो हरी मिर्च काट ली है। इसमें हम 1 कटोरी दही डाल देंगे। अब इसी कटोरी से हम इसमें पानी मिला देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इसको हम थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए, 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा बैटर अब चिल्ला बनाने के लिए रेडी हो गया। इतना गाढ़ा घोल होना चाहिए चिल्ला बनाने के लिए। हमने तावा को गैस पे रख दिया है। इसके लिए हमने नॉन स्टिक तावा लिया है। तावा गरम हो गया हमारा। इस पे हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से फैला लें। बैटर को डाल के इसको पतला पतला जैसे डोसा बनता है उस तरह फैला ले। ये ज़्यादा पतला भी ना फैलाएं, थोड़ा मोटा ही रखना है इसको। अब इसको थोड़ा धीमी आंच पे पका लेंगे। अब हमारा चिल्ला सूख गया है। अब इस पे हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे इसके ऊपर। हमारा चिल्ला, अब इसको हम पलट के देख लेंगे। हमारा चिल्ला दोनों तरफ से रेडी हो गया है। देखिए इधर से भी अच्छे से सिक गया है, कलर आ गया, इसका कलर अच्छा आ गया है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी तरह हम दूसरा चिल्ला भी बना लेंगे।
चिल्ला हमारा खाने के लिए तैयार हो गया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। चिल्ला सर्व करने के लिए रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।